आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बना रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के बाद दो बातें शांतिपूर्वक हुई, पहली मतदान शांतिपूर्वक निपट गया, वहीं दूसरी बीजेपी मध्य प्रदेश से। कमलनाथ ने प्रेस वार्ता के दौरान कुछ वीडियो भी दिखाए जिसमें मतदान केंद्र में हो रही अनियमितता और मतदान में हो रही गड़बड़ी का दृश्य था। कमलनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी ने 150 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग में की हैं, जिसका निराकरण हो रहा है। कुछ केंद्रों में वोटिंग मशीन खराब होने की भी खबर रही, हालांकि वोटिंग मशीन को बदल दिया गया, पर मतदान देरी से होने के कारण मतदान प्रभावित होने की बात भी कमलनाथ ने कही। शांति से निपट गई, एक तो चुनाव और दूसरा बीजेपी। हर जिले से ये शिकायतें रही कि ईवीएम मशीन खराब रही और कहीं तो 3 घंटे से ज्यादा चुनाव हो नहीं पाया। हमने मांग करी है चुनाव आयोग से, मैंने खुद दिल्ली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रावत जी से बात करी, यहाँ हमने कांताराव जी से बात करी कि जो 58 सेक्शन 58 है उसके अनुसार जहाँ चुनाव में कुछ अड़चन आती है तो वहाँ रीपोलिंग कराई जाती है। तो हमने ये मांग करी कि जहाँ चुनाव 3 घंटे तक रुका रहा, 3 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा रुका रहा, वहाँ चुनाव रीपोल होना चाहिए। मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ ही कांग्रेस में जीत की उम्मीद भी बढ़ती नजर आ रही है। बता दें 2013 विधानसभा चुनाव में जहां 72% वोट पड़े थे, वहीं 2018 में 74.6% वोट पड़े हैं। माना जाता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और सरकार बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखा जाए तो पिछले विधानसभा में भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था, पर सरकार बीजेपी की ही बनी थी, वो भी 165 सीटों के साथ। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को पिछले विधानसभा में 46% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 38% वोट और अन्य को 18% वोट प्राप्त हुए थे। अन्य वोट में जहां अन्य पार्टियों का जिक्र है, वहीं नोटा पर भी वोटिंग का परसेंटेज अच्छा खासा था। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि जनता बदलाव चाहती है। देखिए, मतदान बढ़ना यानी बदलाव तय है। प्रदेश की जनता का धन्यवाद देती हूँ जिसने अपने मताधिकार का उपयोग करा और जाके मतदान किया। इसके बावजूद कि तरह तरह की परेशानियों का उसको सामना करना पड़ा, कहीं डराया धमकाया गया, कहीं प्रलोभन दिया गया, पर मतदाताओं ने बता दिया कि वो बिकाऊ नहीं है। वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में को विकास दे, हर एक वर्ग के लिए सोचे और सबको साथ लेके चले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।